एक 400 करोड़ की मूवी ने लॉस करवाया 800 करोड़ का। 9 सितंबर को रिलीज हुई ब्रह्मास्त्र, जिसको बनाने का खर्चा हुआ था 400 करोड़ रुपए, पर इसे लॉस हुआ 800 करोड़ का। आखिर ये कैसे पॉसिबल? जब भी कोई बड़ी मूवी रिलीज होती है, तब उस मूवी के प्रोडक्शन हाउस के बाद सबसे ज्यादा कमाई होती है थिएटर्स को, और ब्रह्मास्त्र से भी यही एक्सपेक्टेशंस थी। पर ब्रह्मास्त्र अपनी एक्सपेक्टेशंस पे सही नहीं उतर पाया और मार्केट में ये न्यूज फैल गई, जिसका सीधा इंपैक्ट पीवीआर और आईनॉक्स के शेयर प्राइसेस को हुआ। पैनिक सेल की वजह से पीवीआर का शेयर 7% डाउन गया और आईनॉक्स का शेयर 6% से गिर गया, जिससे दोनों का मिलाकर मार्केट कैप 800 करोड़ से हो गया। और जिसे मीडिया वाले न्यूज बनाकर लॉस दिखा रहे हैं, तब पीवीआर के सीईओ ने ट्विटर पर ट्वीट करके क्लियर किया कि पीवीआर ने मूवी के फर्स्ट डे पर 9.64 करोड़ और सेकंड डे पर 8.18 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि 18% का जंप है, और फिर शेयर प्राइस रिकवर कर गया। इससे एक बात तो क्लियर है, कभी भी हेडलाइंस के बेसिस पर इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। पर क्या आप पीवीआर या आईनॉक्स में इन्वेस्टेड हो? कमेंट में बताओ।